नाउ अब इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन है जो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से डिवाइड हो रहा है, और इसको डिवाइड करने पे हमें एक रिमाइंडर मिलेगा पी एक्स प्लस क्यू, और पी और क्यू के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ एक्स का पावर 4 है, यहाँ एक्स का पावर 2 है, दैट मींस यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा तब जाके एक्स पावर 4 मिलेगा। आप कोफिशिएंट देख लेते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, मतलब 3 के साथ मुझे 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड्स 3 इंटू 2 6, एक्स का इंटू एक्स का एक्स टू पावर 4। अब मुझे 4x के साथ भी इसे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 इंटू 2 इज 8, एक्स इंटू एक्स का इज एक्स क्यूब। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइन आएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर इज प्लस 2 एक्स स्क्वायर। अब इसे मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। 17 माइनस 2 इज 15, तो 15 एक्स स्क्वायर। अब मैं इसे नीचे ले आती हूँ, प्लस 21 एक्स प्लस 7। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो 3 में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आएगा, तो मुझे सिर्फ यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 इंटू 5 इज 15, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 15 एक्स स्क्वायर। नाउ 4x इंटू 5 इज 20x, 1 इंटू 5 इज 5। अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो फ्रेंड्स ये वाला टर्म कैंसिल, 21 में से माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1x, और 7 माइनस 5 इज प्लस 2, तो x प्लस 2। और इसे मैं पी एक्स प्लस 2 से अगर कंपेयर करूँ तो क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू 1 एंड q इक्वल्स टू 2। और ये ऑप्शन मुझे डी वाले ऑप्शन में गिवन है, इसे डी इज द करेक्ट आंसर।